निफ्टी ने ये हफ्ता स्ट्रेंथ दिखाया है। बैंक निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रांग रीबाउंड पोस्ट करी है। क्या ये स्ट्रेंथ अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड होगी? ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत अच्छी तरह से पॉइज्ड है। आज के एपिसोड में देखेंगे कि क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स और कुछ सेक्टर्स आने वाले हफ्ते में कैसे पैन आउट कर सकते हैं, और खासकर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए आने वाले वीक में। हम बात कर रहे हैं आने वाले हफ्ते 11th of July 2022 की। आप देख रहे हो चार्ट क्या बोलता है वीकली एनालिसिस। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले बहुत जरूरी है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट करने से ना चूके, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शेयर करें व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, बहुत जगह आप हो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर आप उनसे मिलते हो, मॉर्निंग वॉक पर मिलते हो, जिम में मिलते हो, ऑफिस में मिलते हो, कहीं पर भी स्टॉक मार्केट की चर्चा होती है तो हमारी चर्चा जरूर करें और उनके साथ हमारा ये वीडियो जरूर शेयर करें। उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो सीखना चाहते हैं और सीख कर ट्रेड करना चाहते हैं। सीख कर ट्रेड करने की कोई भी बराबरी नहीं होती फ्रेंड्स। मैं बार बार ये आपके साथ ये बार बार इस चीज़ को रीअसर्ट करता हूँ, तो जरूर से हमारा वीडियो उनके साथ शेयर करें। तो इसी के साथ जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ, और यहाँ पर मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट खोल रखा है। और निफ्टी के वीकली चार्ट पे सबसे पहले खोलते ही पहला इंप्रेशन जो पड़ता है चार्ट पे, वो मुझे ये बड़ा वाला कैंडल दिखता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है और जिसमें एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। तो कैंडल की रेंज जो है वो बहुत वाइड है, साथ में वॉल्यूम्स भी अच्छी है। तो इसे VSA एग्रीमेंट बोला जाता है। अगर आपको VSA के बारे में और भी जानना है तो आप हमारा एक शॉर्ट कोर्स हम लोगों ने VSA पे रिलीज़ किया है, आप जाके उसे देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हायर हाइस भी बनी है, लोअर हाइस भी बन रही है। तो टिपिकल अगर हम ट्रेंड को डिफाइन करें कि ट्रेंड को कैसे डिफाइन किया जाता है, अप ट्रेंड को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो किसी भी किताब में आप पढ़ोगे तो वो बोलेगा हायर हाइस और हायर लोज जब ट्रेंड बनाना शुरू कर दे तो अप ट्रेंड में होती है। तो हमें यहाँ पर हायर हाइस और हायर लोज वीकली चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स पे दिखाई दे रहा है। और एक और दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ पर प्राइस पे दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि पिछले जो पुलबैक हुई थी इस पुलबैक में नहीं देखने को मिली थी। सबसे पहले इस पुलबैक में देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं कर पाई थी। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इस पुलबैक में निफ्टी ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा। दूसरा है ट्रेंड लाइन ब्रेक। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो आप देखोगे कि यहाँ पर निफ्टी ने इस बार जो पुलबैक मिला था उस पर ये जो ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने ब्रेक किया है, साथ ही साथ अच्छे वॉल्यूम्स पे किया है, मूविंग एवरेज के ऊपर किया है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ है मूव में, एक थोड़ी सी ताकत है मूव में, थोड़ा सा दम है ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको याद है इस वैल्यू एरिया के बारे में हमने आपके साथ बहुत बार चर्चा की है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया है। और यहाँ पर देखिए ठीक इसी जगह पर निफ्टी ने जो है सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट अपनी की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पे हम खड़े हैं यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा बेस निफ्टी बना सकती है। और भी एक रीज़न है इसके पीछे, हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों लग रहा है। साथ ही साथ डेटा को भी देखेंगे, जो ओपन इंटरेस्ट डेटा होता है उसको भी देखकर हम रीअसर्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि हम एनालाइज कर रहे हैं। तो वीकली चार्ट पे यही दिख रहा है कि निफ्टी हायर हाइज बना रही है और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से बना रही है। RSI भी अगर आप देखोगे स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, RSI का स्लोप ऊपर की तरफ हो गया है। तो काफ़ी चीज़ यहाँ पर आ रही है एक साथ में, जो हमें बता रही है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है हो सकता है थोड़ा सा ठहराव ले ले और यहाँ से ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट मिले। देखिए एक दो दिन का ग्लिच, एक दो दिन का ब्लिप, एक दो दिन की प्रॉफिट बुकिंग या शेकआउट आप कुछ भी बोले, वो सब निफ्टी में चलते रहता है, वो सब मार्केट का पार्ट है। लेकिन यस अगर हम बात करें ट्रेंड की तो लग रहा है कि एक ट्रेंड का आरंभ हो चुका है और ये हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल है। अगर आप देखोगे ये मार्केट टाइमिंग मॉडल, ये सब हमारे जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं सब फेवरेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये मार्केट टाइमिंग मॉडल जो है हमारा ये पॉजिटिव हो गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं डेली चार्ट पे ना। डेली चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड, डेली चार्ट पे ही मुझे आपके साथ डिस्कशन करना था। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है डेली चार्ट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, एक तो ये गैप अप, पहला तो ये दो गैप अप।
देखिए जब इस तरह का गैप आने लग जाता है ना ऊपर की तरफ जब गैप आने लग जाता है, ऊपर की तरफ इस तरह की स्ट्रेंथ जब निफ्टी दिखाने लग जाती है, तो मुझे थोड़ा डर लगने लग जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होने लग गया है, लोग जो है वापस मार्केट में पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, लोग जो है वापस थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए हैं और वापस इस तरह के गैप जो जिसे हम गैपर बोलते हैं, इसे मैं सीरियल गैपर बोलता हूँ, तो इस तरह के गैप आने से थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए हैं लोग। तो जनरली क्या होता है, जो बिग बॉस होता है, जो स्मार्ट मनी होता है, वो जनरली एक शेकआउट प्लान करता है इस समय। और शेकआउट जब वो प्लान करेगा तो वो क्या करेगा, जितने भी वीक हैंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पर बाई किया था या समझिए जिन्होंने इस दिन बाई किया, उनको निकालने की कोशिश करेगा मार्केट से कि भाई आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, अब आपकी बारी है कि आप थोड़ा सा शेकआउट खाओ, आप थोड़ा सा निकलो। नंबर वन ये। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप पे है, गैप जोन पे। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट गैप डाउन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप पे हैं हम, और ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये गैप जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है यहाँ पर, और हम देखेंगे कि क्यों और इस मतलब इसको कैसे वैलिडेट करें वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, बस बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये गैप है एक बार रेजिस्टेंस की तरह काम करे। अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने के बाद क्या होगा वो समझना जरूरी है, उसके बाद क्या करेंगे। तो दो सिनेरियो होंगे फ्रेंड्स, या तो यहाँ पर इस तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करके निफ्टी नीचे वापस अपने ये मूविंग एवरेज के पास आ जाएगी जो करीबन 16,000 के आसपास है, नंबर वन, या हो सकता है थोड़ा सा और नीचे की तरफ करेक्ट दे दे जो है कि 15,900-15,800 के आसपास, जो इस वीक का लो है, इस वीक के लो को हम एक इम्पॉर्टेंट पिवट मान सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर जाके इस वीक के लो को मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, इसको अब हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो या तो हम यही आशा करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि दो सिनेरियो हो सकती है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेके इस मूविंग एवरेज पे आ जाए, नंबर वन, और यहाँ पर फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाए, क्योंकि शेकआउट करने के लिए इतना काफ़ी है, लोग पहले से डरे हुए हैं कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, अभी भी मार्केट का ट्रेंड बढ़ा नहीं है। सेकंड हो सकता है कि यहाँ पर इस वीक के लोस के आसपास या उसके ऊपर कहीं पर आ जाए, तो 15,600-15,700 के आसपास निफ्टी वापस आ सकती है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं और इस दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, राइट। तो अगर ये लेवल टूट जाते हैं, इस वीक का लो टूट जाता है, देन तो सब कहानी ख़त्म है मेरे ख्याल से। उसके बाद वापस हम सोच सकते हैं कि नीचे की जो जर्नी है निफ्टी वापस शुरू कर देगी। लेकिन अगर इस वीक का लो इंटैक्ट रहता है और अगर निफ्टी इस तरह का कुछ करती है, देन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस हमारी एनालिसिस सही है और हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ से वापस ऊपर का रास्ता पकड़ेगी। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा, आने वाले हफ्ते में ये दो रिएक्शन मुझे लगते हैं कि निफ्टी कर सकती है। साथ ही साथ अगर हम RSI को देखेंगे तो अभी तक तो आपने सब समझ, आप लोग ने ये जानी किया, मतलब कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो, RSI के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो, तो अभी आपको पता ही होगा कि 60-40 का लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है। तो यहाँ पर देखिए RSI जो है 60 के पास अप्रोच कर रहा है, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह, मोमेंटम रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो देखिए दो तीन चीज़ें सब जैसे बोलते हैं ना, जब दो तीन चीज़ें साथ में आ जाती हैं तो उस समय एक इम्पॉर्टेंट एक आउटकम मिलता है, कॉन्फ्लुएंस जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों ने अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके साथ डिस्कस किए, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि निफ्टी इस तरह से यहाँ बिहेव कर सकता है। एक बार अर्ली चार्ट पे आते हैं, तो अर्ली चार्ट पे अगर आप जाके देखोगे, तो अर्ली चार्ट पे अगर आपको याद है तो हम लोगों ने आपके साथ एक कप एंड हैंडल डिस्कस किया था, डेली चार्ट भी आपके साथ किया था, और वो कप एंड हैंडल से यहाँ हमें ब्रेकआउट मिल गया है। अभी ब्रेकआउट में क्या होता है, कई बार जो ब्रेकआउट का जो जोन होता है उसको कई बार निफ्टी रीटेस्ट करती है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट आपने सुना ही होगा, ब्रेकआउट रीटेस्ट। तो अगर रीटेस्ट करती है तो देखिए यहाँ पर भी वही 5,900 का जोन आ रहा है, जो एक कप एंड हैंडल का रीटेस्ट वाला जोन है। तो इम्पॉर्टेंट जगह पर हम खड़े हैं जहाँ पर हमें यहाँ से रीटेस्ट वगैरह मिल सकती है। अब आप बोलोगे कि मैंने आपको बोला था कि एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है, जो हमारी इस एनालिसिस को रीअसर्ट कर देगी, वो क्या ऑब्जर्वेशन है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 16,500 पे यहाँ पर एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट की बिल्डअप थी, और जनरली हम कॉल की बिल्डअप थी, जनरली हम ये बोलते हैं कि अगर कहीं पर कॉल की बिल्डअप होती है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। यहाँ पर लास्ट वीक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, जो कि यहाँ पर देखिए अनवाइंडिंग हुई है, मतलब जिन्होंने कॉल्स बेच रखे थे, जिनको लग रहा था कि 16,500 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, उन्होंने अपने कॉल्स को अनवाइंड कर दिया। तो यहाँ पर कॉल्स की देखिए अनवाइंडिंग हुई है, अनवाइंडिंग का मतलब
कि जो बंदा यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखा था, और देखिए ये जो कॉल पुट ये सब ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने की हिम्मत आपकी और मेरी है नहीं, हम लोग छोटे से तुच्छ प्राणी हैं, ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं जिनको ट्रेंड का काफ़ी ज्ञान होता है, जिनको मार्केट्स के इंटरनल का ज्ञान होता है, उन लोग करते हैं। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर ये कुछ नर्वस होते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर कुछ जो है कॉल्स की अनवाइंडिंग होती हुई हम लोगों को दिखाई दी कि भाई यहाँ से कॉल जो है वो अनवाइंडिंग हुई है कॉल्स, और साथ ही साथ ये 16,500 के पास जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, अनवाइंडिंग होने का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक हिंट हमें ये मिलता है कि 16,500 वाला रेजिस्टेंस जो है थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो उससे बड़ा बिल्डअप है वो 17,800 के पास, 17,000 के आसपास है, ओके, तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी वो थी कि 16,500 के आसपास जो बिल्डअप हो रही थी उसमें अनवाइंडिंग होनी शुरू हो गई है और वो ये जो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखिए, ये जो है करीबन 16,200 के पास या 16,300 के पास जो पुट की राइटिंग बहुत बहुत ज़्यादा हुई है, पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पर देखिए इस लेवल पे, जस्ट जिस लेवल पे अभी निफ्टी है ऑलमोस्ट 16,200 के पास, आप समझिए यहाँ पर नई पोजीशन जो है पुट की बिल्डअप हुई है। अब पुट की बिल्डअप पोजीशन होने का मतलब ये होता है कि ये इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 16,200 के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी बनाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे 16,000 के पास भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 15,500 के पास भी है, लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है वो हमें ये बता रहा है कि 16,200 के पास जो राइटिंग हुई है उससे एक बहुत फ्रेश और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है हो सकता है क्रिएट हो गया है निफ्टी में। तो अभी आप आने वाले हफ्ते के लिए या इस महीने के लिए मैं बोलूं कि अगर कोई रेंज और हमें ढूंढना है तो यहाँ पर देखिए 16,200 का एक नया रेंज हमें मिल गया और ऊपर की तरफ 17,000 का रेंज मिल गया। तो हो सकता है आने वाले इस महीने में, जुलाई महीने में, अभी ऑप्शन के डेटा को देखकर ये लग रहा है कि हम 17,000 तक टच कर जाएं। अभी के ऑप्शन के डेटा को देख के लग रहा है, साथ ही साथ चार्ट्स भी लग रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है, तो दोनों चीज़ जो है एक दूसरे को कन्फर्म कर रही है। तो यही एक इंपॉर्टेंट डेटा था जो आपके साथ शेयर करना था। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इच्छुक हैं सीखने के लिए और सीख कर ट्रेड करने के लिए तो हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम को आप देख सकते हो। फ्रेंड देखिए, वैसे तो जो यूट्यूब पे मैं बहुत सारे एडुकेशन वीडियोस लेके आता हूँ और वो काफ़ी सक्षम होते हैं एक अच्छी ट्रेडिंग के लिए, लेकिन यस, अगर आप किसी चीज़ को प्रोफेशनली बैक करना चाहते हो, एक हेड स्टार्ट अगर चाहते हो कि नहीं एक प्रोफेशनल हेड स्टार्ट मिले और एक अच्छी इनकम जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से आते रहे, तब आपको सीखना होगा फ्रेंड। देखिए, क्योंकि कॉल्स और टिप्स पे कभी पैसे नहीं बन सकते, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल से आपका भी एक्सपीरियंस अभी तक हो गया होगा कि अगर आप किसी से भी कॉल्स टिप्स किसी और के एनालिसिस पे ट्रेड करोगे तो कभी पैसे नहीं बनेंगे। हाँ, हो सकता है थोड़े वक्त के लिए बने, लेकिन बाद में मार्केट उसे वापस ले लेती है क्योंकि मार्केट जानती है कि आपने कुछ आसान तरीका अपनाया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सीख कर ट्रेड करने का मज़ा कुछ और ही है। और यहाँ पर देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फीचर होता है, आपको मैं रिजल्ट भी दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे जो ट्रेडर्स हैं ट्रेड कर रहे हैं, और ये हमारी कम्युनिटी है, आप देखिए किस तरह से वो ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से जो चार्ट की शेयरिंग होती है, नॉलेज शेयरिंग होती है, बहुत सारे डिस्कशंस चलते रहते हैं, रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक भी लोग जो है चार्ट पोस्ट करते हैं, इतने एक्साइटेड हैं, काफ़ी अच्छा लगता है इतनी इन्वॉल्वमेंट देखकर। और देखिए, इन्वॉल्व हैं और ट्रेड कर रहे हैं तो इसीलिए इनका रिजल्ट्स भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर किस ढंग से कैसे उन लोग ट्रेड कर रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक दो सही ट्रेड अगर आपका लग जाए देन आपकी सारी जो है वो देखिए, ये 59,000 जितने भी आपके एक दो सही ट्रेड्स भी लग जाए, ये देखिए यहाँ पर, और देखिए सनटेक रियल्टी की आपसे चर्चा की थी मैंने, तो यहाँ पर आप देखिए, और अगर आपकी यहाँ देखिए परसेंटेज देखिए 10% का गेन, और यहाँ पर भी देखिए आप 11% का गेन, तो ये देखिए यहाँ पर, तो एक दो भी सही ट्रेड अगर आपकी लग जाए मेरे ख्याल से तो आपका आपने जितनी फीस मुझे दी है वो रीएम्बर्स हो जाती है यहाँ पर ही। और साथ ही साथ जो है हमारा ट्रेड बुक है जो आपको मदद करता है कि रियल टाइम पे आप कैसे ट्रेड ले, रियल टाइम पे किस तरह से आप काम करें, देखिए 44,000। तो जिस ढंग से यहाँ पर लोग ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड्स, उस ढंग से मुझे भी काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है और मेरे को भी लगता है यस, मैं जो हूँ सही पाथ पे हूँ। देखिए 71,000 और 76,000, 63,000, तो जिस ढंग से यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर जो कि इनके पहले क्वार्टर का रिजल्ट है, ये मतलब कितना ख़राब क्वार्टर गया था
हम जानते हैं कि अप्रैल मई में किस तरह से स्टॉक मार्केट की धुलाई हुई थी, उसके बाद भी इस तरह के रिजल्ट्स लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ को देखकर। तो अगर आप इच्छुक हैं सीखने के लिए तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं, मेंटरशिप टैब के अंदर आ सकते हैं और आपको सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी कि क्या क्या है और क्या क्या चलते रहता है। और हमारा जो प्रोग्राम है वो हमेशा अपडेट होते रहता है, हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं, पुराने मटेरियल्स को हटाते रहते हैं, नए मटेरियल्स डालते रहते हैं और चार्ट्स को अपडेट करते रहते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते रहते हैं। तो हमेशा हमारा प्रोग्राम्स जो है वो अपडेटेड होते रहता है, कभी आउटडेटेड नहीं होता ये प्रोग्राम। तो आप अगर इच्छुक है सीखने के लिए तो आप एक बार यहाँ पर इसको जाके देख सकते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पे, अब हम करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर बैंक निफ्टी की रेंज को देखोगे, बैंक निफ्टी की कैंडल को देखोगे तो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग बैंक निफ्टी मुझे दिखाई दे रही है। और इसने, बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट भी दिखाई दिया है और कई बैंक्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप नाम मैं ले नहीं सकता अभी क्योंकि रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मैंने आपको एक तरह से हिंट दे दिया कि अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखो तो उन स्टॉक्स को देखिए जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, ऑलरेडी जो अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ऑलरेडी जिनमें अच्छी मोमेंटम बिल्डअप हो गई है, तो उन स्टॉक्स को आप देखिए तो वही स्टॉक जो हैं वो एक लीडरशिप के तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए एक अच्छा ब्रेक हम लोगों को मिला बैंक, वहाँ बैंक में भी यही देखने को मिल रहा है, हायर हाइज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन है, मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है, अच्छा क्लोज मिला है, अच्छी वॉल्यूम से मिला है, RSI स्टेबल है, तो वीकली चार्ट पे सब कुछ अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, तो अभी हम डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे फ्रेंड्स मज़ेदार चीज़ बन गई जो है वो डोजी। अभी इस डोजी की कहानी फ्रेंड्स हम लोगों ने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी, निफ्टी पे भी डिस्कस की कि डोजी का मतलब क्या हो सकता है। डोजी का दो मतलब होता है, पहला मतलब तो होता है कि यहाँ से ये रिवर्सल कर जाए, रिवर्सल कर जाए मतलब कि यहाँ से एक हमें बेरिश कैंडल मिले और उसके बाद वापस जो है डोजी अपने नीचे की तरफ वो प्राइस को ढकेल दे। दूसरा रीज़न होता है कि यहाँ पर इस ट्रेंड को ऊपर ले जाते जो बुल्स हैं वो थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट लेंगे और अगर हमें इसके ऊपर क्लोज मिलता है, इस डोजी के ऊपर क्लोज मिलता है जो कि 35,300 के ऊपर अगर हमें क्लोज मिलता है तो हम कहते हैं कि जो पूरी ट्रेंड है वो रिफ्रेश हो गई है। मतलब कि बुल्स लोगों ने जो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेने का सोचा था उन्होंने अपना रेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर पूरे ट्रेंड को रिफ्रेश कर दिया। तो डोजी जो होता है जनरली एक ट्रेंड के बीच में गिराए तो उसे मिडवे कहा जाता है। यहाँ पर फिर वो डोजी जो है वो मिडवे पॉइंट बन जाता है और जो मूवमेंट डोजी बनने के पहले मिली है वही डोजी बनने के बाद मिल सकती है। तो अगर ऐसा होता है कि हमें 35,300 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिल जाती है और वहाँ पर निफ्टी रुकती है, सस्टेन करती है, उस लेवल्स को होल्ड करती है, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है एक अच्छा और एक बड़ा मूवमेंट 37,000 के आसपास तक हमें दे दे। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स, ऑफकोर्स रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी मूवमेंट। ये देखिए ये जो आइलैंड रिवर्सल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर देखिए अच्छा कंफ्लुएंस जोन बन रहा है और बैंक निफ्टी यहाँ पर आ जाए, तो ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर निफ्टी की जैसे हम लोगों ने एनालिसिस की और निफ्टी में हम लोगों ने देखा कि निफ्टी मल्टीपल सपोर्ट्स के पास है और उन सपोर्ट्स को निफ्टी को होल्ड करना है, देन हम क्या ये कर सकते हैं कि भाई निफ्टी ऐसे नीचे आए, बैंक निफ्टी ऐसे नीचे आए, अपने इस गैप जोन पे सपोर्ट ले, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दे, तो ये भी हो सकता है, एक दूसरा मूवमेंट का तरीका है, ये भी हो सकता है। तो दोनों मूवमेंट के तरीके हो सकते हैं। लेवल्स जो, जैसे मैंने आपको कहा कि इस वीक का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस वीक के लोज को एक इंपॉर्टेंट लोज मानिए क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बना है, बहुत स्ट्रांग कैंडल बना है, तो इस वीक के लो को एक इंपॉर्टेंट लो माना जाएगा क्योंकि यहाँ से डिमांड की इमरजेंस हुई है और आप देखो कि पिछले कई दिनों में ऐसा कैंडल नहीं बना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लो माना जाएगा। तो इस वीक के लो को अगर बैंक निफ्टी होल्ड करती है तो एक स्ट्रांग यहाँ पर जोन मिलेगा हम लोगों को और उसके बाद ऊपर के तरफ जैसे कि 200 दिन का मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये हम लोगों को बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जोन मिल गया। अब आप जो लोग हैं जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जो कॉन्डोर्स बनाते हैं, जो बटरफ्लाइज बनाते हैं, हमें लेवल्स चाहिए होते हैं ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, तो लेवल्स हमें मिल गए, अब इस लेवल्स के आसपास आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम लोगों की, तो निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलेंगे और ग्लोबल मार्केट्स में सबसे पहले देखेंगे
यूएस 30 को देखते हैं। यूएस 30 में फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यहाँ पर सारे ड्राइंग्स हटा के यहाँ पर अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करो तो देखिए एक अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न बनता हुआ नंबर वन दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम आते हैं तो वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। देखिए ये पुल बैक और उसके बाद ये वाले कैंडल पे स्ट्रेंथ, देखिए पिछले कैंडल पे भी आपको बाइंग मिली थी, नीचे गई थी इंडेक्स लेकिन वापस ऊपर पुशअप कर दी गई, वापस यहाँ पर नीचे गई थी वापस पुश ऊपर कर दी गई, तो यहाँ पर बाइंग दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है ना कि ये देखिए अपने मिड टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रही है और जब तक इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज हमें नहीं मिले तो हम थोड़ा सा शेकी रहते हैं। हालांकि RSI जो है वो 40 के आसपास आ चुकी है, तो आने वाले हफ्ते में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा मूवमेंट मिले हमें ऊपर की तरफ और ये अपने मूविंग एवरेजेस को ऊपर की तरफ क्रॉस करे और यहाँ से ऊपर का रास्ता पकड़े। तो यहाँ से अगर ऊपर का रास्ता पकड़ते हैं तो जैसे कि US 30 जो है वो 33,000 के आसपास जा सकती है, अच्छा मूवमेंट यहाँ से 2000 पॉइंट का हमें मिल सकता है। और अगर मिलता है तो आप समझिए इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा बूस्टर होगा और इंडियन मार्केट्स को भी अच्छी मूवमेंट मिलेगी। इंपॉर्टेंट है नैसडैक को देखना क्योंकि यही एक इंडेक्स है जो कि जैसे ग्रोथ इंडेक्स बोला जाता है। तो नैसडैक में देखिए एक वेज पैटर्न बन रहा था, उस वेज पैटर्न को यहाँ से प्राइजेस ने ब्रेक करके जस्ट मूविंग एवरेज के पास एकदम चिपके हुए हैं। यहाँ पर मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ और वीकली चार्ट पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट पे अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे लास्ट हफ्ते की तो बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट हुई है। लेकिन वही बात है कि 50 अपने जो ये जो मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है जस्ट इसके पास ही है, आप देखिए जस्ट उसके पास ही है, इसको क्रॉस नहीं कर पाई है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इसको क्रॉस कर ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट कम से कम भी यहाँ से देखिए 10-12% 15% का मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आने वाले हफ्ते में। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे, वॉल्यूम्स बहुत अच्छी बिल्डअप हुई है। यहाँ पर आप देखो जो एडवांसेस जब हुई हैं, देखिए इसी को VSA बोला जाता है, VSA एग्रीमेंट बोला जाता है। तो जब एडवांसेस हुई है तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स जो हैं बहुत अच्छी बिल्डअप हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने देखा नैसडैक में। तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत रेडी है एकदम मूवमेंट के लिए, तो ग्लोबल मार्केट्स को भी हम लोगों को ट्रैक पे रखना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर हम एक डॉलर इंडेक्स की बात करें, भैया देखिए आजकल तो सभी बात करने लगे डॉलर इंडेक्स की, पहले कोई बात नहीं करता था लेकिन आजकल सभी करने लग गए। देखिए डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में कुछ मोमेंटम लॉस होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर देखिए ये पहले डोजी बनता है और उसके बाद यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बनता है जो कि मोमेंटम लॉस का इंडिकेशन देता है। तो अब अगर ये यहाँ से मूवमेंट नीचे की तरफ करता है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी कमजोरी आती है तो ऑफकोर्स जो ग्लोबल जो डॉलर कमज़ोर होगा और ग्लोबल करेंसीज जो हैं वो उसके अगेंस्ट में मजबूत होंगी और वो अपने अपने इकोनॉमी के लिए या अपने अपने कंट्रीज़ के लिए अच्छा होता है, जनरली लोग ऐसा सोचते हैं और होता भी है। लेकिन हमें उसका मतलब नहीं, हमें चार्ट से मतलब है क्योंकि हम जानते हैं कि वही डॉलर इंडेक्स अगर कमज़ोर होगा तो स्टॉक मार्केट्स को बूस्ट मिलेगा, स्टॉक मार्केट अच्छा हो सकता है। तो यहाँ से हम ये आशा करते हैं कि ये जो शूटिंग स्टार बना है उससे थोड़ी सी सेलिंग हम लोगों को देखने मिले और डॉलर इंडेक्स अपने ब्रेकआउट जोन तक कम से कम आ जाए, 105 तक अगर आ जाए। देखिए दिक्कत ये आती है ना, जब भी कोई भी स्टॉक कोई भी करेंसी पेयर या कुछ भी अगर 52 वीक हाई बनाता है या ऑल टाइम हाई बनाता है तो वहाँ पर टॉप कॉल करना एक अच्छी बात नहीं होती क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है। जब भी तो भाई वो 52 वीक हाई बनाया ऑल टाइम हाई बनाया, ऑल टाइम हाई कोई स्टॉक या ऑल टाइम हाई कोई इंडेक्स क्यों बनाता है? तो इसीलिए बनाता है क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, राइट? तो यहाँ पर एक टॉप को कॉल करना, अगर मैं यहाँ बैठे बैठे आपको जबरदस्ती बोल दूँ कि भाई यहाँ पर टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स नॉट गुड, स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में आप काम नहीं कर सकते। हम यहाँ पर बस यहाँ पर प्राइस एक्शन को एनालाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ ये प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट करती है उसके बेसिस पे हम अपना काम करते हैं। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस नहीं करनी चाहिए, याद रखिएगा। तो दिस इज़ वन थिंग। तो अगर डॉलर इंडेक्स में कमजोरी हमें मिलती है तो ऑफकोर्स हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में स्टॉक मार्केट्स अच्छे होंगे और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है डॉलर इंडेक्स का। अब हम आते हैं अपने सेक्टर्स की तरफ और वो कौन से सेक्टर हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे थे एक एक करके। तो सबसे पहला सेक्टर ऑफकोर्स फ्रेंड्स वो निफ्टी बैंक की है, तो उसकी तो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर दी है। तो निफ्टी बैंक फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड है और अगर आप देखोगे तो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है ये निफ्टी को और मेरे ख्याल से जिस तरीके से और सेक्टर्स बढ़े हैं उस तरीके से निफ्टी बैंक नहीं बढ़ा है कोविड 2020 के रिकवरी के बाद। तो इस बार एक लग रहा है कि कुछ स्ट्रेंथ हमें देखने को मिले निफ्टी बैंक में और
ये देखिए काफी ओवरसोल्ड भी हो गया, ओवरसोल्ड इन द सेंस कि आप देखोगे कि बाकी जो इंडेक्सेस है या निफ्टी है कुछ भी है अपने कोविड हाइस तक नहीं पहुंची है। देखिए नया ब्रेकआउट हम लोगों को नहीं मिला था किसी में भी, नया फ्रेश ब्रेकआउट जहां हुआ था वहां तक नहीं पहुंची है, बैंक निफ्टी वहां तक आ चुकी है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बैंक निफ्टी है और ये सेक्टर मैं चाहता हूं कि आप अपने जहन में अपने ध्यान में अच्छी तरह से रखिए। देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक्स को भी अगर आप देखोगे, निफ्टी पीएसयू बैंक्स को भी देखोगे तो इसमें भी आपको अच्छी मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही। देखिए यहां पर भी ये पीएसयू बैंक्स तो खैर अपने कोविड लोस के नीचे भी जा चुका है, लेकिन इसमें भी देखिए फ्रेंड्स ये फॉलिंग वेज टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मूवमेंट यहाँ पर है और आशा यही करते हैं कि यहाँ से ये इसमें भी मूवमेंट अच्छी मिले, एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिलना शुरू होगा। तो ये पहला सेक्टर है जो आपको अपने ध्यान में रखना है। दूसरा सेक्टर फ्रेंड्स, लास्ट वीक अगर आपने देखा होगा निफ्टी रियलिटी में कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर अगर आप देखो निफ्टी रियलिटी में कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी है, लास्ट तीन वीक से ये एडवांस कर रही थी और निफ्टी रियलिटी के कई स्टॉक्स अच्छा मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि देखिए ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है तो जनरली हम इसे बुलिश कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर एक हंच लिया जाए जैसे लग रहा है कि देखिए यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को रियलिटी में दिखाई दी है। गिवन रियलिटी के जो स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके रखे हैं। अगर आप देखो पिछले स्टॉक्स में जाके पीएसपी प्रोजेक्ट्स को देखो, शोभा को देखो या सनटेक रियलिटी को देखो, ये सब स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। तो उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी मोमेंटम बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो दो सेक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आपके लिए, पहला हम लोगों ने डिस्कस किया बैंक, दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया रियलिटी। तीसरा सेक्टर फ्रेंड्स निफ्टी फाइनेंस। देखिए निफ्टी फिनसर्व और निफ्टी फाइनेंस में भी सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन जो आपने बैंक निफ्टी में देखी वही यहां पर आपको देखने को मिलेगा और निफ्टी फाइनेंस भी बहुत अच्छा परफॉर्म लास्ट वीक कर चुका है। अगर आप देखोगे फाइनेंस के जो छोटे स्टॉक्स हैं, उज्जीवन फाइनेंस, M&M फाइनेंस और स्टार फाइनेंस, ये सब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है और मेरे ख्याल से जिस ढंग से ये शेपअप हो रहा है, क्योंकि छोटे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने लग गए हैं इसका मतलब अच्छा डिमांड है। तो ये निफ्टी फाइनेंस विल बी द अनदर सेक्टर विच में लीड इन द कमिंग टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, निफ्टी फाइनेंस इज डूइंग वेरी गुड। और फाइनली लास्ट है निफ्टी ऑटो। देखिए निफ्टी ऑटो की बात सभी करने लग गए हैं, अभी निफ्टी ऑटो सबके वॉच लिस्ट पर जा चुका है और ये देखिए ऑल टाइम हाइस भी बना रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कुछ ऑल टाइम कोई स्टॉक या कोई भी सेक्टर अगर ऑल टाइम हाई बनाता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है फ्रेंड्स देखिए ऑल टाइम हाई की एक बार कोशिश यहाँ पर भी हुई थी, एक बार कोशिश यहाँ पर भी हुई थी और उसके बाद कई कोशिशें हुई थी। तो क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ये सबके रेडार पे आ चुका है, लोग अभी सब जितने लोग हैं सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ से थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखिए ऑटोज वगैरह जो है, बैंकिंग स्टॉक जो है, वो इस सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। जहाँ हम अगर सेक्टर एनालिसिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या मूवमेंट मिल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये सब जो है वापस हमें थोड़ा बहुत चकमा दे सकता है। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे, यहाँ पर थोड़ा एक दो हफ्ते के लिए कंसोलिडेट करे, जितने वीक हैंड्स है उसको हटाए, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। तो ये जो ऑटो सेक्टर है इसको आप अपने वॉचलिस्ट पे रखिए। अभी आउटराइट मैं तो बाई करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, यहाँ पर देखिए आउटराइट बाई करने नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इसको अपने वॉचलिस्ट पे जरूर रखिए। देखिए जिस तरह से मैंने तो डेली चार्ट देखा ही नहीं था, अभी मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ टॉपिंग टाइप ऑफ पैटर्न बना है। और बाकी अगर आप ऑटो महिंद्रा देखोगे और वहाँ उन सब स्टॉक्स में भी थोड़ा सा टॉपिंग टाइप ऑफ पैटर्न बन चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है थोड़ा और थोड़ा टाइम यहाँ पर बिताता है तो एक अच्छा मूवमेंट आने वाले समय पे ब्रेकआउट पे दे सकता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ़।